नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने 2016 में अपने आई के बाद कैसे पकड़ी तेज़ रफ्तार तो सबसे पहले जान लेते हैं एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी कि एल के बारे में थोड़ा सा दोस्तों एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक ग्लोबल लीडर है इंजीनियरिंग और आर एन डी सर्विसज में एल टी टी एस के पास फाइव नाइन्टी थ्री पेटेंट्स हैं और ग्लोबल टॉप हंड्रेड ई आर एन डी स्पेंडर्स में से फिफ्टी थ्री क्लाइंट्स एल टी टी एस के पास हैं एल के पास एक्सपर्टीज़ है इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटाइजेशन में एल के पास हैं ग्लोबली 62 इनोवेशन और आर डी सेंटर्स और एल की स्पेशलाइजेशन है 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलेबोरेटिव रोबोट्स डिजिटल फैक्ट्री और ऑटोनोमस ट्रांसपोर्ट में एल के पास है मल्टी डोमेन कैपेबिलिटीज़ और एल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए मेडिकल डिवाइसेस के लिए टेलीकॉम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए और नवम्बर दो में एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज को सिलेक्ट किया गया था कंसल्टिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में अमेज़ॉन एलेक्सा वॉइस सर्विसेज को सपोर्ट देने के लिए और ये है एल की प्रेजेंट वैल्यूएशन कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 28,000 करोड़ का पी रेशो -E है 41 की और कंपनी के पास कैश रिजर्व एंड सर प्लस है 2,564 करोड़ के और कंपनी पर डेट है केवल 24 करोड़ का और यह है एल का शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के प्रमोटर्स एल एन टी लार्सन एंड टोब्रो के पास है 74.27 फोर शेयर होल्डिंग एफ के पास है 8.87%, पॉइंट परसेंट डी के पास है 6.39% परसेंट और अदर्स के पास है 10.46% परसेंट शेयर होल्डिंग और यह है एल का स्टॉक प्राइस चार्ट कंपनी के 2016 के IPO से लेकर अब तक का और इस स्टॉक प्राइस चार्ट में आप देख सकते हो कंपनी के स्टॉक ने आई आने के बाद तेजी से लगातार ग्रो किया है और अगर किसी छोटे इन्वेस्टर ने एल के 2016 के आई में 100 शेयर्स में इन्वेस्ट किया था तो उस समय उसकी इन्वेस्टमेंट हुई थी केवल 86,000 सिक्स क्योंकि आई का प्राइस अपर बैंड पर था आठ रुपए पर शेयर के हिसाब से और प्रेजेंट में उन 100 शेयर्स की मार्केट वैल्यू है लगभग दो लाख बासठ हजार रुपये और इसके अलावा एल ने अपने शेयर होल्डर्स को हर साल अच्छा डिविडेंड भी दिया है आप इस टेबल के लास्ट कॉलम में कंपनी का पर शेयर डिविडेंड देख सकते हो हर साल का और अगर हम 2016 के आईपीओ में 100 शेयर्स लेने वाले छोटे इन्वेस्टर का अब तक का डिविडेंड देखें तो इस टेबल के लास्ट कॉलम में आप उस इन्वेस्टर का टोटल डिविडेंड देखोगे और अभी तक उसको लगभग सात हजार दो सौ पचास रुपये डिविडेंड के रूप में भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इन पाई चार्ट्स में आप देख सकते हो एल का डाइवर्सिफाइड बिजनेस और जियोग्राफिकल मिक्स तो अगर हम वर्टिकल बात करें तो थर्टी परसेंट आता है ट्रांसपोर्टेशन से और बाय जियोग्राफी यहाँ पर आप देखोगे सिक्सटी वन परसेंट रेवेन्यू आता है नॉर्थ अमेरिका से और एल का रेवेन्यू इन बार चार्ट्स में आप देख सकते हो दो में कितना था दो में कितना था और एस्टिमेटेड 2025 तक कितना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिजिटल इंजीनियरिंग स्पेंट्स कंपनीज का तेज़ी से ग्रो कर रहा है और 2025 तक ये तीन गुना बढ़कर लगभग कंपनी के एल के टोटल रेवेन्यू का लगभग 53 परसेंट तक हो जाएगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है तो धन्यवाद जय हिंद